नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस वार्ता में कहा है कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि एक गैर पश्चिम समूह है जिसमें भारत जैसे सदस्य शामिल हैं। उन्होंने अमेरिका के प्रतिबंधों से खराब हुए रिश्तों का उल्लेख किया और चीन के साथ संबंधों को एक दूसरे के हितों के अनुरूप बताया। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी 10 अक्टूबर को कर्मयोगी सप्ताह यानी कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। ये पहल सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ावा देगी जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में प्रख्यात वक्ता ज्ञान साझा करेंगे और विभिन्न मंत्रालय कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे। मिशन कर्मयोगी 2020 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से संपर्क किया है क्योंकि भारत सुरक्षा कारणों से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान यात्रा नहीं कर सकता। पीसीबी ने सुझाव दिया कि भारतीय टीम नई दिल्ली या चंडीगढ़ में शिविर लगा सकती है। हालांकि बीसीसीआई पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका या दुबई में आयोजन की मांग कर सकता है। बेंगलोर में जल्द ही एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। विधानसभा में हुई हाई पावर्ड मीटिंग में सोमन हल्ली गांव की लोकेशन पर सहमति बनती दिखी जो कैंपागोरा एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर दूर है। उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने पर जोर दिया है। लोकेशन की अंतिम घोषणा अगले हफ्ता होगी। एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मार दी गई। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है जबकि फरार शूटर शुभम लोनकर की खोज जारी है। मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिंक की जांच की जा रही है। आरोपी स्नैपचैट पर एक दूसरे से संपर्क करते थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि रूस में बॉलीवुड फिल्मों की मांग अन्य ब्रिक्स देशों से अधिक है। राज कपूर की फिल्मों विशेष रूप से आवारा ने रूस में जबरदस्त सफलता पाई है। पुतिन ने पीएम मोदी से भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने पर चर्चा करने का संकेत दिया है। यूजीसी नेट 2024 का परिणाम 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल हुए। फेल छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके पास कई करियर विकल्प हैं। इनमें राज्य स्तरीय परीक्षा पात्रता, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी, उद्योग विशिष्ट सर्टिफिकेशन और सरकारी नौकरी के अवसर शामिल हैं। हर साल दिवाली पर बीएससी और एनएससी में मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जाता है जो नए वित्त वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को होगी। इस दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है जिसे समृद्धि की कामना की जाती है। निवेशकों को सेशन खत्म होने से 15 मिनट पहले अपनी पोजिशन तय करने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर के खिलाफ आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी डॉक्टर ने 22 अक्टूबर को स्टेट वाइड हड़ताल की चेतावनी दी है। आमरण अनशन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है जिसमें 6 जूनियर डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 22-23 अक्टूबर को 2024 अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें 400 सरकारी प्रतिनिधियों और 1000 पेशेवरों की भागीदारी होगी। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनाना है जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में ड्रोन उपयोग पर चर्चा होगी। सरकार 6000 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम को एक दिन में लौटने का ऑफर दिया जिसे बीसीसीआई ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान 1996 के बाद पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है लेकिन भारत की भागीदारी तय करने का अंतिम फैसला भारतीय सरकार पर निर्भर है। एसीबी का मानना है कि भारत का हिस्सा होना जरूरी है। क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16वें में एक कंटेस्टेंट डॉक्टर नीरज सक्सेना ने अमिताभ बच्चन को चौंका दिया। कोलकाता से आए नीरज ने दूसरे प्रतियोगी को मौका देने के लिए गेम बीच में छोड़ने का निवेदन किया। उनकी उपलब्धियों को सुनकर बिग बी प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया था। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है जबकि लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी देने की खबरें हैं। महासभा ने सलमान को हिरण शिकार के लिए माफी मांगने की अपील की है।
स्मार्ट टीवी खरीदते समय सही साइज, बजट और फीचर्स पर ध्यान देना जरूरी है। कमरे के आकार के अनुसार टीवी का साइज चुने। स्मार्ट टीवी की जरूरत को समझे और रेजोल्यूशन यानी फुल HD या 4K पर विचार कर सकते हैं। HDMI और कनेक्टिविटी पोर्ट्स की संख्या भी जांचें ताकि बेहतर अनुभव मिल सके। भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सालाना खपत 30 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 2025 तक 300 अरब डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बढ़ते मिडिल क्लास के कारण डिमांड बढ़ रही है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों द्वारा 100 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक फैन ने उनसे IPL में RCB से खेलने की मांग की, जिस पर रोहित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहित ने मुंबई इंडियंस के साथ 5 IPL खिताब जीते हैं और अगले सीजन के लिए रिटर्न होने की उम्मीद है। एक्शन स्टार सनी देओल ने अपने जन्मदिन पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म जाट का पहला पोस्टर साझा किया है। गोपी चंद्र मलिनेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणदीप हुड्डा, सयामी खैर और रेजिना कैसेंड्रा भी शामिल हैं। जाट एक्शन और ड्रामा से भरपूर होगी। सनी हाल ही में गदर 2 में नजर आए थे और लाहौर 1947 पर भी काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को कार्यवाहक DGP अनुराग गुप्ता को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल 21 अक्टूबर तक प्रस्तुत किया जाए। ये निर्णय गुप्ता के खिलाफ पिछले चुनावों में की गई शिकायतों और कार्रवाई के आधार पर लिया गया है। बैंगलोर टेस्ट में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में 99 रन बनाकर शतक से चूक गए। उन्होंने 105 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्के लगाए, जबकि लेकिन 99 रन पर ही आउट हो गए। पंत के आउट होते ही ड्रेसिंग रूम में निराशा छा गई, खासकर कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर। आईफोन खरीदते समय असली और नकली में फर्क करना जरूरी है। IMEI और सीरियल नंबर चेक जरूर करें। एप्पल लोगो और सॉफ्टवेयर का वेरिफिकेशन करें। फिजिकल बटन, रिटेल बॉक्स की गुणवत्ता, Face ID, चार्जिंग स्पीड और कैमरा की जांच करें। शंका होने पर एप्पल सर्विस सेंटर से वेरीफाई करवाएं और हमेशा प्रतिष्ठित रिटेलर से ही खरीदें। सर्दियों में एयर कंडीशनर को कवर करने से पहले उसकी स्थिति पर ध्यान दें। पुराने AC को कवर करने से जंग लग सकता है। बारिश या नमी वाले इलाके में कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से नुकसान हो सकता है। चूहों से बचने के लिए भी कवर हटा कर रखें, जरूरत पड़ने पर ही कवर करें। टोयोटा ने त्योहारी सीजन में गैलेंजा हाई राइडर, इनोवा हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर के सिग्नेचर एडिशन लॉन्च किए हैं। इन मॉडलों में ड्यूअल टोन एक्सटीरियर्स, नए इंटीरियर्स और आकर्षक फीचर्स शामिल हैं। गैलेंजा में ऑरेंज थीम है, हाई राइडर में बैक स्टाइल ड्यूअल टोन कलर, इनोवा में स्टारी रुक और फॉर्च्यूनर में ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स हैं। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी APPSC ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2024 है। कुल 140 रिक्तियों में ग्रुप ए और में 50 और ग्रुप बी में 90 पद शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को होगी। 2001 में रिलीज हुई हैरी पॉटर श्रृंखला ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। इसके सभी 8 भागों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हर आयु वर्ग में लोकप्रियता हासिल की। पहले भाग ने 317.58 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि अंतिम भाग ने 381.01 मिलियन डॉलर। सभी भाग अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए महिला सक्षम योजना लॉन्च की है। ये योजना केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे महिलाएं प्रति परिवार 1 लाख रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर सकें। भारत में सोने की खरीदारी का विशेष महत्व है, विशेषकर धनतेरस पर। सोने में निवेश के विभिन्न विकल्प हैं, जैसे ज्वेलरी, सिक्के, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF। फिजिकल और डिजिटल गोल्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कंसोर्टियम ऑफ NLU ने CLAT 2025 के लिए आवेदन सुधार विंडो खोल दिए हैं। उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपनी परीक्षा केंद्र, वरीयताएं और अन्य विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को होगी। आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि और आरक्षण पात्रता जैसे विवरण संपादित किए जा सकते हैं।
महाराष्ट्र के थाने में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी लिजेल और 5 अन्य के खिलाफ 11.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 2018 से 2024 के बीच डांस मंडली ने एक टीवी शो में पुरस्कार राशि हड़पने का आरोप लगाया। मामले की जाँच जारी है। कार का इंजन ओवरहीट होने के 4 प्रमुख कारण हैं। कूलेंट की कमी, रेडिएटर में खराबी, नियमित सर्विसिंग ना करना और सेफ्टी वॉल्व में दिक्कत। इनसे बचने के लिए गाड़ी की नियमित सर्विसिंग कराएं और कूलेंट का स्तर चेक करें। समय पर देखभाल से आपकी कार बीच रास्ते में बंद नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुटेगी। कप्तानी की दौड़ में मोहम्मद रिजवान आगे हैं, जबकि बाबर आजम ने इस्तीफा दिया है। चयनकर्ता 29 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम घोषित करेंगे। बाबर और शाहीन अफरीदी की वापसी की संभावना है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है दीपक कुमार, अरविंद सिन्हा, मोहम्मद अरमान बिहारी, प्रिंस पासवान, उन्नू गोलू कुमार, राजन रामबाबू दास, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, रेहान आलम, बिरवंश कुमार, रविशंकर, वरुण सिंह, गोविंद कुमार, नौसाद रजा, प्रमीला कुमारी, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा टीवी शो कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।